जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। बेटा हम लोगों ने अपना जो है चैप्टर सेल जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 है हमारा बायोलॉजी पार्ट 1 का। आज जो हम लोगों ने डिस्कशन करनी है वो बेसिकली हम लोगों ने सेल वॉल पे करनी है। प्रीवियस हमारा जो लेक्चर था वो प्लांट सेल के ऊपर था, एनिमल सेल की हम लोगों ने बात की थी उसमें। आज हमारी बात होगी प्लांट के सेल के ऊपर और उसकी सेल वॉल के ऊपर। बेसिक डिफरेंस जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, जिसमें बेसिक डिफरेंस ये था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एनिमल्स की बॉडी के अंदर होती है और प्लांट की बॉडी के अंदर जो है वो सेल वॉल होती है। तो हमने अपना प्रीवियस लेक्चर जो है उसके अंदर डिस्कशन देखी जो कि हमारी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो सेल वॉल से रेलिवेंट होगा। और सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। सो यहाँ पे सेल वॉल में सबसे बेसिकली डिफरेंस मैं वही लिख देती हूँ, सेल वॉल इसकी अकरेंस जो है वो प्लांट्स के अंदर है, इन प्लांट्स। आज हमने बेसिकली सेल वॉल किस तरह से काम करती है, कितनी जो है वो लेयर्स जो हैं वो प्लांट की बॉडी के अंदर, अगर प्राइमरी हम सेल वॉल की बात करें, सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें, मिडल लैमेला इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये कुछ जो हैं ये इसके अंदर जो है इसकी कंपोजिशन के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट है। सो हम लोग सबसे पहले ही सेल वॉल के ऊपर बात करते हैं, देन वन बाई वन जो है ये इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और मिडल लैमेला को। सो सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट की बॉडी की। और अगर मैं बात करूं तो एल्जी बैक्टीरिया वगैरह या फंजाई जो होती हैं उनकी भी आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो बेसिकली जो है वो सेल वॉल ही होती है। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल की वो डिफरेंट होती है प्रोकैरियोट से। लाइक साइनोबैक्टीरिया वगैरह की बात करूं, या अब साइनोबैक्टीरिया भी बैक्टीरिया की ही टाइप है, तो लेकिन सेल वॉल जो होगी प्लांट सेल की वो बैक्टीरिया और जो साइनोबैक्टीरिया होती है उससे थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट होती है, और फंजाई से भी डिफरेंट होती है। सो यहाँ पे आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी जो है वो क्या है, सेल वॉल है। देन इसके बाद आपने देखा कि जो सेल वॉल की अगर हम बात करें तो जो बैक्टीरिया होते हैं या फंजाई की अगर बात करूँ तो इनकी जो सेल वॉल होती है वैसी नहीं कि जैसी प्लांट की बॉडी के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, ये बिल्कुल इसी तरह की होती है, बट इनके अंदर जो है वो डिफरेंस पाया जाता है। सो यहाँ पे जो है वो डिफरेंस पाया जाता है, बैक्टीरिया और फंजाई की अगर हम बात करें तो। सो ये था कि सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट जो है वो बाउंड्री है, या आउटर मोस्ट जो है वो कवरिंग है, कवरिंग प्लांट की बॉडी की, वो बेसिकली जो है वो सेल वॉल है। देन उसके बाद हम देख लेते हैं जिस सेल वॉल के अंदर जो है ये, अब सेल वॉल जो है वो प्रोटोप्लाज्म से जो है वो सिक्रीट होती है, और ये इटसेल्फ जो है ये सेल वॉल जो है स्ट्रक्चर जो है वो एक डेड स्ट्रक्चर जाना जाता है। और इसकी अगर थिकनेस की बात करूँ तो ये डिफरेंट प्लांट्स के लिहाज से जो है वो वेरी करती है इसकी जो थिकनेस होती है। सो थिकनेस जो होगी इसकी वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, सॉरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। सो सेल वॉल को अगर देख लिया जाए तो सेल वॉल जो है इट सेल्फ डेड जो है ये डेड पार्ट समझा जाता है, या बेटा सेल वॉल जो है एक डेड स्ट्रक्चर जो है ये समझा जाता है। सो इटसेल्फ जो है ये सेल वॉल वो एक डेड स्ट्रक्चर है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि इसकी बेसिकली जो है वो 3 मेन लेयर्स होती हैं, जिनकी मैंने आपके साथ जो है वो बेटा डिस्कशन की है कि जो 3 मेन लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। 3 मेन लेयर्स, नंबर 1 पे है आपके पास प्राइमरी सेल वॉल, नंबर 2 पे है सेकेंडरी सेल वॉल,
और नंबर थ्री पे है मिडल लैमेला। ये थ्री मेन लेयर्स जो हैं वो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब सेल वॉल की जो थ्री मेन लेयर्स हैं इसमें वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। अब बेसिकली जो प्राइमरी सेल वॉल है यहाँ पे बेटा मैं रब कर देती हूँ। वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें बेसिकली जो है वो डिफरेंस कैसे पाया जाता है। सो प्राइमरी सेल वॉल यहाँ पे बेटा एक डायग्राम बनी हुई है, उस डायग्राम को देखें जी। यहाँ पे आपको ये डायग्राम नजर आ रही है। अब बेसिकली इस डायग्राम की ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये जो है ये इसकी प्राइमरी सेल वॉल है। इसके अंदर आपको एक लार्ज सा जो है वो प्लांट की बॉडी के अंदर एक सेल हमने लिया और उसके सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल हमें नज़र आया और इर्द गिर्द जो है वो साइटोप्लाज्म मौजूद है। देन उसके बाद जो है ये एक डायग्राम मैंने ड्रा की थी, इसमें ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली ये जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल है। देन ये जो शेडेड एरिया है जिसको अभी मैं शेड कर रही हूँ, बेसिकली ये जो शेडेड एरिया है वो मिडल लैमेला होगा। प्लांट की अगर सेल वॉल की हम बात करते हैं और उसके डिफरेंट लेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो शेडेड एरिया है वो मिडल लैमेला है और उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल ये है और यहाँ पे ये वाला जो है वो प्राइमरी सेल वॉल है। तो बेसिकली ये डायग्राम जो है वो सेल वॉल जो है ये एडजॉइनिंग जो सेल्स हैं उनको शो कर रही है कि एक साइड पर जो है सेकेंडरी सेल वॉल है या सेकेंडरी जो सेल्स होते हैं, अब यहाँ पे जो है वो प्राइमरी सेल वॉल और अंदर वाला जो पोर्शन है वो बेसिकली मिडल लैमेला वाला पोर्शन है। अब जो हमारे पास जो है वो प्राइमरी सेल वॉल, बेसिकली प्राइमरी सेल वॉल क्या करती है कि प्राइमरी जो बेटा सेल वॉल होती है इसका ये काम होता है कि इसने ये एक ट्रू वॉल बनाती है। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो एक ट्रू वॉल है और ये अपने नेबरिंग बहुत से जो है वो सेल्स की ग्रोथ का काम करती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, लिखती हूँ मैं कि ये नेबरिंग अगर बात करें तो इसके साथ वाले जितने भी सेल्स होते हैं उसकी ग्रोथ का ये काम करती हैं। ग्रोइंग नेबरिंग सेल्स और इसको हम ट्रू वॉल भी बोलते हैं। प्राइमरी वॉल को हम ट्रू वॉल भी बोलते हैं। केमिकली अगर मैं इसकी कंपोजिशन की बात करती हूँ तो इसकी कंपोजिशन के अंदर जो है वो बेसिकली सेलुलोज प्रेजेंट होता है, इसकी कंपोजिशन के अंदर पैक्टिन प्रेजेंट होता है और इसकी कंपोजिशन के अंदर जो है वो हेमी सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो इसको हम ट्रू सेल वॉल भी बोलते हैं। ट्रू सेल वॉल जो इसकी कंपोजिशन है उसके अंदर पैक्टीन है और उसके अंदर जो है वो हेमी सेलुलोज है और सेलुलोज है। सो ये इसकी कंपोजिशन है कि इसकी कंपोजिशन के अंदर पैक्टीन भी नजर आया, हेमी सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है, सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है। प्राइमरी सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो नेबरिंग अपने जो है ये हमसाया जितने भी जो है ये सेल बनाती है जहाँ पे ये जो है प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होती है तो इसने अपने इर्द गिर्द जो है वो सेल की ग्रोथ करनी होती है और इसको बेसिकली हम ट्रू सेल वॉल भी बोलते हैं। देन उसके बाद जो है और ये जो सेलुलोज के मालिक्यूल्स जो होते हैं वो इसके अंदर क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इतना सा पार्ट है और हमने बात की थी कि इसकी जो कंपोजिशन है वो उसकी कंपोजिशन के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है। देन यहाँ पे क्रिस क्रॉस मैनर की अगर बात करें तो सेलुलोज जो होगा वो क्रिस क्रॉस मैनर में होता है इसमें। सो बेसिकली ये एक क्रिस क्रॉस मैनर है जो कि मैंने आपके सामने ड्रा किया है कि सेलुलोज इसके अंदर क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर प्रेजेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो अब हम लोगों का है, जो हम लोगों ने डिस्कशन करनी है वो अपनी सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर करनी है। बेसिकली जो सेकेंडरी सेल वॉल है
अच्छा जी बेटा, जो सेकेंडरी सेल वॉल है अब यहाँ पे आपको ये सेकेंडरी सेल वॉल नजर आ रही है जो कि मिडल लैमेला के एक साइड पे है। उस सेकेंडरी सेल वॉल के करेक्टर्स कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो फॉर्म्ड होती है ऑन इनर सरफेस ऑफ प्राइमरी वॉल एंड कंपैरेटिवली ये थिक होती है और ये रिजिड होती है। तो ये इसके करेक्टर्स हैं कि ये थिक भी होगी और ये रिजिड भी होती है। और इसकी अकरेंस की अगर हम बात करें तो इनर साइड पे अगर हम प्राइमरी सेल वॉल की अकरेंस की बात करते हैं तो इनर साइड पे जो है ये प्राइमरी सेल वॉल के इनर साइड पे सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये प्रेजेंट होती है। देन केमिकली अगर मैं बात करूँ तो ये इनऑर्गेनिक साल्ट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। सिलिका, वैक्सिस और क्यूटिन और लिग्निन जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो केमिकली कंपोजिशन जो उसकी थी उसमें सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन था। इसके अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, वैक्सिस हैं, इसके अंदर लिग्निन है और क्यूटिन जो है इसकी कंपोजिशन है। सो इसको बेटा इस तरह से आपने याद रखना है कि दोनों का जो है वो डिफरेंस करके देखें। प्राइमरी सेल वॉल यहाँ पे आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंस के लिहाज से भी आ सकता है कि कंपोजिशन इसकी क्या है, इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं। इसकी जो कंपोजिशन के अंदर बेटा सिलिका, वैक्सिस, क्यूटिन वगैरह और लिग्निन जो है ये प्रेजेंट होते हैं। और जो प्राइमरी सेल वॉल है उसके अंदर हेमी सेलुलोज, सेलुलोज ये चीज़ें जो है वो प्रेजेंट होती हैं। देन जो है ये कंपैरेटिवली थिक होती है प्राइमरी सेल वॉल से। Comparatively thick and rigid. Then primary cell wall उसके बाद आपने कंपोजिशन की बात की, जिस तरह से हमने प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन की बात की है इसी तरह से इसकी कंपोजिशन को अगर हम देख लें तो इसकी कंपोजिशन के अंदर जी हैं, इसकी कंपोजिशन के अंदर पेक्टिन है, वैक्सीज हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, और पेक्टिन है, वैक्सीज हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं और सिलिका है। ठीक है जी, ये इसकी जो है वो कंपोजिशन है, सेल वॉल की कंपोजिशन है। सेकेंडरी सेल वॉल की बात करूँ तो ये उसकी कंपोजिशन है। देन उसके बाद जो है वो बेटा हम लोग देख लेते हैं, एक हमारे पास मिडल लैमेला रह गया। मिडल लैमेला जो है उसकी अगर हम देखते हैं तो मिडल लैमेला जो है इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड इन बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल्स एंड बाइंड देम टूगेदर। ये वो वाला पॉइंट है जो कि आपको डायग्राम नजर आ रही है कि बेटा बेसिकली जो है मिडल लैमेला की बात करूँ तो ये आपको मिडल के अंदर मिडल लैमेला नजर आ रहा है कि सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल के मिडल के अंदर जो है वो मिडल लैमेला प्रेजेंट है, उसके दरमियान में ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम नेबरिंग सेल की बात करते हैं तो उसके नेबरिंग सेल्स के बाहर जो है वो नेबरिंग सेल्स जो है वो है प्राइमरी सेल वॉल है, देन सेकेंडरी वॉल है और अंदर जो है सेकेंडरी सेल वॉल और अंदर जो है वो बेटा मिडल लैमेला प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये वो वाला पॉइंट है। देन उसके बाद जो है ये एक सीमेंटिंग मटेरियल जो होता है, सीमेंट जो होता है वो किसी भी इमारत को जो है वो बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बहुत ताकत प्रोवाइड करता है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये एक सीमेंटिंग जो है वो मटेरियल है तो इसने स्ट्रेंथ प्रोवाइड की हुई है, इसकी वजह से जो है वो स्ट्रेंथ मिल रही है सेकेंडरी सेल वॉल को भी और प्राइमरी सेल वॉल को भी। सो ये बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स की मैं बात करती हूँ तो ये जो सेल वॉल होती है एडजॉइनिंग सेल्स, यहाँ पर ये एक सीमेंट का काम करता है। तो इसकी करेक्टर्स के अंदर ये है कि इट एक्ट एज अ सीमेंट, इट एक्ट्स एज अ सीमेंट तो बेसिकली जो है ये सीमेंट की तरह काम करता है। अगर हम टू एडजेसिंग सेल्स की हम बात करते हैं तो आपको एक तरफ जो है वो प्राइमरी सेल वॉल भी नज़र आ रही है, दूसरी तरफ जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल नज़र आ रही है और अंदर जो है वो बेटा एडजेसिंग सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं, अंदर जो है वो मौजूद है मिडल लैमेला जो कि टू एडजेसिंग सेल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद जो है वो बेटा केमिकली अगर हम इसकी बात करते हैं कंपोजिशन की तो इसकी केमिकली कंपोजिशन जो होती है वो पेक्टिन है या सोडियम पेक्टेट है। तो केमिकली ये कंपोज करते हैं पेक्टिन से या सोडियम पेक्टेट की बात करती हूँ तो
तो केमिकली इसकी कंपोजिशन ये है। देन यहाँ से जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आ सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल वॉल, फंगल सेल वॉल एंड बैक्टीरियल सेल वॉल। तो यहाँ से जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल की बात करूँ या फंगल सेल वॉल की बात करूँ या प्लांट सेल वॉल की बात करूँ, तो बेसिकली बैक्टीरियल सेल वॉल का डिफरेंस क्या है फंगल सेल वॉल से, और जो प्लांट सेल वॉल है इनके दरमियान में जो है वो डिफरेंस क्या है। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं, जिसको हम अगर इसके अंदर बैक्टीरिया को मैं डिस्कस करूँ, तो इनके अंदर सेलुलोज नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल की बात करूँ तो इसमें सेलुलोज नहीं होती, और इसकी जो स्ट्रेंथिंग मटेरियल होता है वो बेसिकली या तो म्यूरिन होता है या फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। देन फंगल सेल की जो है, फंगल सेल के अंदर जो है वो स्ट्रेंथिंग मटेरियल जो है वो बेटा काइटिन है, और उसके बाद जो प्लांट सेल की बात करूँ तो इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो बेसिकली सेलुलोज है। तो इनके अंदर जो है वो डिफरेंस ये है कि आपने ये डिफरेंस याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, फंगल सेल वॉल और प्लांट सेल वॉल के अंदर बेसिकली डिफरेंस ये है कि हमने स्ट्रेंथिंग मटेरियल की बात करनी है कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के अंदर जो स्ट्रेंथिंग मटेरियल है वो बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकेन है और म्यूरिन है, और जो फंगल सेल वॉल के अंदर स्ट्रेंथिंग मटेरियल जो है वो बेटा काइटिन है, और जो प्लांट की बॉडी के अंदर स्ट्रेंथिंग मटेरियल जो है वो बेटा सेलुलोज है। सो ये याद आपने रखना है कि जब हम प्राइमरी सेल वॉल की बात कर रहे थे तो आपने सेलुलोज उसका स्ट्रेंथिंग मटेरियल में देखा, उसके बाद फंगल सेल के अंदर काइटिन है और प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के अंदर जो है वो म्यूरिन है। तो हमारा जो है ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वॉल, जो कि प्राइमरी सेल वॉल थी, सेकेंडरी सेल वॉल थी और मिडल लैमेला थी, और उसके बाद जो है वो बेसिकली हम लोगों ने डिफरेंस देखा कि बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें, फंजाई सेल, फंगल सेल वॉल की अगर मैं बात करूँ या प्लांट की सेल वॉल की बात करूँ, तो इनके अंदर से स्ट्रेंथिंग मटीरियल जो होता है वो अपना एक बेसिक डिफरेंस रखता है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में कई दफ़ा जो है वो रिपीट हुआ हुआ है। सो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हाम युनासिर हो। फी इमान अल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।